लेट्स गो टू काठमांडू। भाई नेपाल के स्विट्जरलैंड को टाटा करके बाय बाय, हम लोग चल रहे हैं काठमांडू की तरफ। साहब अलग लेवल का मजा आ रहा है नेपाल में। ये रही तो ड्राइवर जी ने यहाँ पे रोक दिया कि यही लास्ट बस्ट है। सीट मिल जाएगा ना, 6 सीट मिल जाएगा तो पूरा। दो लोग हैं ना। हाँ, सामने उतर। भाई बहुत डर लग रहा है यार, रास्ते इतने ज्यादा खराब है कि कहीं कहीं पर हमारी बस फंस जा रही है, जिसके चलते हमें नीचे उतरना पड़ा। डर लग रहा है कि कहीं बस नीचे ना गिर जाए। मेरा नाम राजेंद्र थावे है। राजेंद्र थावे भाई हमारे कंडक्टर है बस के। आबा ब्रदर, थैंक यू काठमांडू पहुंचाने के लिए। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल नेपाल के कुरी विलेज में मैं अभी हूँ और मैं निकल रहा हूँ अब काठमांडू के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ चेरीकोट और कालिंग चौक के इस कुरी विलेज में। मेरा काफी अच्छा दिन बीता, बहुत ही मजा आया। तो अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो लेट्स गो टू काठमांडू। बाय बाय कालिंग चौक। भाई भाई नेपाल के स्विट्जरलैंड को टाटा करके बाय बाय, हम लोग चल रहे हैं काठमांडू की तरफ। भाई साहब क्या व्यू है यहाँ पर, पूरा पहाड़ बर्फ से ढक चुका है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि नेपाल में इतनी अच्छी एक्सपीरियंस होगी हमारी। भाई पहाड़ देखेंगे, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस मिला, स्नोफॉल। भाई साहब अलग लेवल का मजा आ रहा है नेपाल में। फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना नेपाल का, बवाल हुआ है, बवाल। और नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम लोग के साथ बने रहिएगा। हाँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिप हम लोग मारेंगे नेपाल का, वो रहेगा मस्टैंग। बहुत सुंदर मस्टैंग, बहुत तगड़ा जगह है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। अगर इस ट्रिप में नहीं हुआ तो फिर एक बार हम लोग ट्रिप करेंगे, नेपाल को फिर से रीडिस्कवर करेंगे, तो मजा आने वाला है। तो भाई हम लोग जा रहे थे चेरीकोट, लेकिन अचानक से बस हमें मिल गई, लास्ट बस काठमांडू के लिए। ये रही तो ड्राइवर जी ने यहाँ पे रोक दिया कि यही लास्ट बस है जो जा रही है। बस मिल जाएगा ना, अरे बस बोल रहा है, सीट मिल जाएगा ना, 6 सीट मिल जाएगा तो पूरा। हाँ चिंता नहीं करो ना। ठीक है बैग ले ले भाई। किस्मत अच्छा था यार, लास्ट बस था ये। ये लास्ट बस है क्या? अरे यार लक साथ दिया, नहीं तो इसके बाद हमें कल तक का वेट करना पड़ता। हाँ। भैया विंडो का सीट दीजिएगा, ठीक है, विंडो सीट। चलो 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 चलो, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग। छह सीट है ना, बैग बैग कहाँ रखेगा? बैग इसमें आएगा ही नहीं, बैग पीछे रख दीजिए। बैग सुनिए ना, बैग पीछे रख दीजिए। अरे यार बूढ़े बाजे हुनुहुन्छ, समझ नहीं आ रहा है। वहाँ दो लोग हैं ना। हाँ ये नजीक सामने उतर जाएगा। ठीक है आ जा, आ जाओ कर दिया। हाँ आ जा, बैग ये रख देगा। पांच जाना हो गया। हाँ और एक अब एक जाना। हाँ चलो सीट मिल गई, कैसे भी करा देना। तब नजीक जाने है, बैठिए हाँ इधर बैठिए। दो जन लोग अभी पास में उतर जाएगा तुरंत, तो यहाँ पे हो गया और एक जन करा दो भाई, क्योंकि लंबा सफर है। ठीक है, हाँ क्योंकि पिछले बार ऐसे ही किया था कंडक्टर। मेरे जिम्मा है, मेरे हाँ आपका जिम्मा, थैंक यू। पिछले बार बेवकूफ बना दिया था, इस बार नहीं। बिट्टू यहाँ पे बैठ गया, पिछले बार आगे आया, वो बोला कि सीट देगा, फिर सीट नहीं दिया हम लोग को। फाइनली सीट मिल गई है। अब 140 किलोमीटर है काठमांडू यहाँ से, चेरीकोट ही जगह पे हम लोग पहुँच चुके थे लगभग। यहाँ से काठमांडू पहुँचने में हमें तकरीबन काफ़ी टाइम लगेंगे। और कितना घंटा में पहुँचेंगे ब्रदर, कितना घंटा में पहुँचेंगे हम लोग काठमांडू? पाँच साढ़े चार ठीक है।
पाँच छह घंटा में यानी 9 बजे रात तक पहुंच जाएंगे। बस पूरी फुल है भाई, पूरी फुल है, इधर सब खाली है। अच्छा सब उतर जाएगा ना, तो बड़ा दिख रहा है। ठीक है की लंबी राइड के बाद थोड़ी रेस्ट मिली है हमें यहाँ पर। भूख लगा है क्या किसी को? कुछ खाने होने का है यहाँ पर? फ्रूट्स दिख रहा है, बनानास दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रहा है। चलो ले लेते हैं। अभी तक कुछ खाया नहीं क्योंकि हम लोग वहाँ से निकले थे ना, कालीन चौक के कुरी विलेज से, तब से हमने कुछ खाया नहीं है। देखते हैं कुछ खाने का मिलेगा। और ये रही हमारी बस। कहाँ है बनाना है? क्रीम ब्रेड है क्या? क्रीम ब्रेड नहीं है? अच्छा उनम, ये नहीं क्रीम ब्रेड, रमपम ये भीड़ लग गया दुकान में। दो तीन वाईफाई दे दे। कितना 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 पड़ा इसका? ये 30 और ये टोटल कितना? 50 40 रुपया दोनों का। आप 40 दो। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र थावे है। राजेंद्र थावे भाई हमारे कंडक्टर है बस के। ए चलो 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 आ जाओ। ले लिया ना सब? ए यार बहुत जल्दी चलो। भाई लॉन्च करते हो गए हम एक ही लिया, दो कप लिया, दो लिया, हम तो ले लिया, वो दो लिया, हम तो ले लिया है, दो लिया है, ले लिए। भूख लग रहा है, बहुत जोर का भूख लग रहा है। ये सूखी मछली है यहाँ, जैसे हमारे बस में, कोलकाता के बस में सब बेचने के लिए आते हैं, यहाँ मछली बिक रही है। मछली मछली 100 रुपए। बंगाल में तो हम लोग बहुत खाते हैं मछली, बहुत ज्यादा बंगाल में खाते हैं, इसीलिए मन नहीं है मछली खाने का। पकौड़ा है, पकौड़ा कितना? पकोड़ा, पकोड़ा कितना? 50 को 3। तीन तीन दीजिए भाई। हमारे सिटी में तो मूंगफली ये सब मिलती, यहाँ पे तो मछली पकोड़ा ये सब मिल रहा है। चलो भाई बस आ गया। बाय ब्रदर, थैंक यू काठमांडू पहुँचाने के लिए। भाई काठमांडू तो आ गए और यहाँ पे हो रही है बारिश। आजा आजा, बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। कहाँ चलना है आपने को? अब कहाँ चलना है? पशुपतिनाथ जाएंगे। हाँ वहाँ पे जाके पहले होटल लेंगे, अभी तो मंदिर बंद होगा। अच्छा। होटल पे लेके रहेंगे कल सुबह हम लोग। कितना दूर है आपके यहाँ से? अभी भी करीबन 20-25 किलोमीटर है। अरे यार ये बस तो लास्ट स्टॉपेज यहीं पर थी, अब यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे जो कि यहाँ से 20-30 मिनट की दूरी पर है। देखते हैं यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी या बस तो अभी मिलेगी नहीं क्योंकि रात के लगभग बज रहे हैं 8:30। लेट हो गई थी एक्चुअली, आते वक्त रास्ते में कोई गाड़ी फंस गई थी जिसके चलते ट्रैफिक जाम के चलते यहाँ पर बहुत लंबी ट्रैफिक हो गई थी काठमांडू वाली सड़कों पर, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर 7 बजे ही पहुँच जाते। भाई ये हमारी सवारी है, 6 जन कैसे आएंगे इस छोटे से कार में? कैसे हम बैठेगा कैसे इसमें? भाई चल मनी, चल मनी, रुक जा रुक जा, ऑटो में बैठो, ऑटो ले, बैग पकड़ो, बैग बैग, जर्मनी। ए बोल उसको आगे रख, उसको आगे। पशुपतिनाथ मंदिर को जहाँ पे बस उतारा उसके आगे बस नहीं जाते। एक मिनट भैया, लाइट ऑन करिए तो थोड़ा।
छोटी सी मारुति ऑल्टो की कार है, उसमें 6 जन और एक ड्राइवर 7 जन आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर को जाने के लिए। देखो ये वही मारुति है जिसमें 6 लोग कैसे करके आए, अब हम ही लोग जान पैसा दे दे। तो सबसे पहले हम लोग अब होटल बुक करेंगे और काफी रात हो गई है और मेरे ठीक इस साइड में है पशुपतिनाथ मंदिर, तो सुबह में जाएंगे हम लोग दर्शन भी करेंगे, फिर यहाँ की नाइट लाइफ स्टाइल देखेंगे काठमांडू की, थमेल बाजार जो कि बहुत फेमस है। तो पहले चलते हैं होटल की तरफ और रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह से काफ़ी ट्रैवलिंग हो गई है। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें से कौन सी होटल की प्राइस काफ़ी रिजनेबल होगी, तो वहाँ पर हम लोग होटल बुक करेंगे। वैसे मेरे दोस्त पहले आ चुके थे तो 1000 रुपये या 1500 रुपये में होटल मिल जाती है अच्छी, देखते हैं जैसे रेट की होटल होगी। तो दोस्तों रात के बज रहे 10:30 और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर आने के बाद सारे होटल बंद हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर 10:30 बजे के लगभग सारे होटल बंद हो जाते हैं। तो पूरा खोजने के बाद इस जगह पर पूरा कम से कम हमने 15 से 20 होटल खोजे, तो लास्ट में हमें एक होटल मिली यानी मंदिर के पास में थोड़ी डिस्टेंस में ही, जो कि एक रूम ही सिर्फ अवेलेबल था। तो बिना सोचे समझे हमने रूम के लिए हाँ बोल दिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, बारिश भी हो रही है, कहाँ इधर उधर भटकते, इससे अच्छा मैंने बोला अपने दोस्तों को चलो डन करते हैं रूम बुक कर लेते हैं। तो फिलहाल ये होटल रहा और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि खाना अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो हमारे जो भाई साहब थे यहाँ के मैनेजर जो थे उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कुछ भी होगा, उन्होंने बोला अभी तो सारा कुछ बंद हो चुका है, दुकान बंद हो चुका है, तो वो अपने पर्सनल बाइक से कहीं जाकर मैगी लेकर आया। मैंने बोला जो भी खाने का हो वो दे दो क्योंकि सुबह से बस वही वहाँ पर हमने कालिंग चौक में ही खाया था और उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, बीच रास्ते में कुछ चिप्स कैडबरी ऐसे। भाई लोग तो खाने भी बैठ गए यहाँ पर। जी जी जी, बहुत भूख लगी है, जोरदार वाला। हाँ भाई सुबह से खाली वही हम लोग कालिंग चौक में ही खाया था और बस में वही कुरकुरे चिप्स जो खा लिया बस वही हो गया। साथ में हवा ठंडा हवा भी, ठंडा हवा भाई, मछली खाया था मछली। अच्छा हाँ मछली जो मिल रहा था ना भाई, मैंने देखा है कि बस में मूंगफली और क्या क्या चीज मिलते हैं, यहाँ पे तो मछली मिल रहा था, पकौड़ा मिल रहा था, अजीब है। लेकिन हाँ कैसा था मछली का स्वाद, कैसा था? बहुत बेकार था, टेस्ट नहीं था, पकौड़ा ठंडा ठंडा था ना पूरा। मैंने पकौड़ा खाया बहुत ठंडा था, जोड़ने बोलूंगा सच में, टेस्ट तो एकदम नहीं था और ठंडा बहुत था। गर्मा गर्म मैगी वाला सूप खाते हैं। कहाँ है अपना? इसके ऊपर है भाई साहब हमारा रूम, काफी अच्छी सीढ़ी है। जब से नेपाल में आए आसमान की ऊंचाइयों में जाना पड़ रहा है। तो अपना डिनर हो गया, काफी टेस्टी डिनर था, काफी हेल्दी डिनर था, सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ। आ गया हूँ रूम में। काफी खतरनाक सीढ़ी है भाई, देख रहे हो। और ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम, 6 लोगों का ग्रुप, तो 3 बेड, 2-2 जन करके एक बेड पर सोएंगे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, पूरा एकदम शरीर दर्द दे रहा है, क्या बताऊँ, इतना लंबा सफ़र हुआ ना, कमर तोड़ देने वाली सफ़र हुई है। अभी फ़िलहाल आराम करते हैं कल, क्योंकि निकलना भी है सुबह सुबह जल्दी उठ के, बहुत सारे डेस्टिनेशन को कवर करना है, पशुपतिनाथ मंदिर देखना है, थमेल बाजार देखना है, नाइट लाइफस्टाइल देखना है काठमांडू का कि कैसा नाइट लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि काफ़ी फेमस है थमेल बाजार। एंड बहुत कुछ सुना है थमेल बाजार के बारे में जो कि वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वहां पे जाने के बाद सेपरेट ब्लॉग में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करता हूं यहां पर ख़त्म। उम्मीद करता हूं कि आपको नेपाल सीरीज़ की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर से एक नए जर्नी में, एक नए जगह में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर और गुड नाइट।